नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। डिंडौली भेस्तान स्थित आवास से रिक्शा चुराने के मामले में पिछले 7 माह से फरार चल रहे आरोपी को डिंडौली थाने की सर्विलांस टीम ने किया गिरफ्तार। डिंडौली के भेस्तान आवास में रहने वाले शिकायतकर्ता मुबारक आरिफ सैयद सूरत शहर में ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं। दिनांक 5/10/2022 की अंतिम रात को शिकायतकर्ता ने अपने बजाज कंपनी का ऑटो रिक्शा नंबर JG05BW5732 ₹80,000 भेस्तान आवास में अपने भवन के नीचे सार्वजनिक सड़क पर खड़ा किया था, जिसको देर रात एक अज्ञात चोर द्वारा रिक्शा चोरी कर लिया गया था, जिसके लिए डिंडौरी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर डिंडौली के 2 आरोपी सदस्यों में से पेकी अख्तर और भट्टी सैयद को गिरफ्तार कर मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया शेख फरार हो गया, जिसको पुलिस ने वांटेड घोषित किया है। सूरत पुलिस कमिश्नर ने संपत्ति संबंधी अपराधों के वांछित अभियुक्तों को पकड़ने का निर्देश दिया है, जिसके तहत डिंडौली पुलिस स्टेशन RJ चूड़ासमा और द्वितीय पुलिस इंस्पेक्टर श्री SM पठान डिंडौली के निर्देशानुसार सर्विलांस स्टाफ के PSI हरपाल सिंह मसानी सर्विलांस स्टाफ के पुलिस कर्मियों के साथ डिंडौली थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी बीच हेड कांस्टेबल मिलिंद तुकाराम और पुलिस कांस्टेबल कुलदीप सिंह हेमुभा को कुछ सूचना मिली कि 7 महीने पहले आज ही के दिन भेस्तान आवास से रिक्शा चुराकर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा अभियुक्त भेस्तान आवास की पानी की टंकी के पास खड़ा है। सूचना के आधार पर सर्विलेंस स्टाफ की टीम ने नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।